नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बड़ी खबर पटना से निकलकर सामने आ रही है। आपको बताया कि पटना के एम्स के नजदीक एक प्राइवेट नर्सिंग होम में कुछ उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ किया और जमकर उपद्रव किया। उन जो असामाजिक तत्व घुस गए थे नर्सिंग होम में और नर्सिंग होम के अंदर ये जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे थे, पत्थर फेंके और आपको बताया कि एम्बुलेंस के शीशे और कांच तक तोड़ दिए। और इन उपद्रवियों ने डीएसपी और उनकी पत्नी तक को नहीं छोड़ा। इन उपद्रवियों ने आपको बताया कि डीएसपी अपनी माँ का शव लेने आए थे और उनकी वो डीएसपी के साथ और उनके पत्नी के साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार तक किया है। पटना एम्स के नज़दीक असामाजिक तत्वों ने एक निजी नर्सिंग होम में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान उपद्रवियों ने नर्सिंग होम के आगे लगी एम्बुलेंस के शीशे को भी फोड़ डाला और नर्सिंग होम में जमकर पथराव किया। इस दौरान एक डीएसपी अपने परिजन के साथ अस्पताल में अपनी माँ का शव लेने आए थे। असामाजिक तत्वों ने डीएसपी एवं उनकी पत्नी के साथ भी बदतमीजी की। बाद में अस्पताल प्रबंधन द्वारा फुलवारी शरीफ थाने में असामाजिक तत्वों के खिलाफ साथ मारपीट एवं तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज कराया गया। इस पूरे प्रकरण की सीसीटीवी फुटेज भी अब तेजी से वायरल हो रही है। आपको बताया कि सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से असामाजिक तत्व निजी नर्सिंग होम के पास आपस में लड़ते लड़ते नर्सिंग होम में घुस आते हैं और इस दौरान जब वहाँ के स्टाफ और गार्ड ने उन्हें रोकना चाहा तो अस्पताल के लोगों के साथ असामाजिक तत्व उलझ पड़े और जमकर तोड़फोड़ एवं पथराव कर दिया। निजी नर्सिंग होम के प्रबंधक अजय कुमार ने बताया कि निजी अस्पताल के बाहर कुछ लोग आपस में शराब पीकर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। जब इन्हें रास्ते में लड़ाई झगड़ा करने से रोका गया तो वे आक्रोशित हो गए और अस्पताल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। उन्होंने कहा था कि डीएसपी स्तर के अधिकारी एवं उनकी पत्नी के साथ भी शराबियों ने बदतमीजी की है। उन्होंने कहा कि इस उपद्रव से अस्पताल में 2 लाख से अधिक की संपत्ति को क्षति पहुँचाया गया है। फुलवारी शरीफ थाना प्रभारी ने बताया कि निजी नर्सिंग होम के द्वारा लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और उन्होंने ये भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया। तो देखिए, आपको बताया कि पूरा मामला जो है वो पटना एम्स के नज़दीक एक निजी नर्सिंग होम की है जहां कुछ उपद्रवी आपस में पहले उलझते हैं और बताया जाता है कि ये शराब के नशे में इतने धुत रहते हैं कि पहले ये आपस में उलझ जाते हैं और जब इन्हें रोकने की समझाने की कोशिश की जाती है तो ये सीधे नर्सिंग होम के भीतर घुस आते हैं और वहाँ के गार्ड और जो सिक्योरिटी वाले लोग खड़े थे उनके साथ भी हाथापाई करने लगते हैं। इतना ही नहीं, पथराव करते हैं और उनके पथराव के कारण नर्सिंग होम के सामने खड़ी एम्बुलेंस की शीशे और कांच तक टूट जाते हैं। और इतना ही नहीं, आपको बताएं कि जो ये जो उपद्रवी हैं, ये जो असामाजिक तत्व जो नर्सिंग होम में घुसकर इतना हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं, वो उपद्रवी डीएसपी के पत्नी और डीएसपी के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं। अब आपको बताएं कि फुलवारी शरीफ थाना में इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और ये जो पूरा मामला है वो एक सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया है और ये सीसीटीवी फुटेज का जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।